तो कल तक हमने देखा था कि भाई ट्रेन की रिक्वायरमेंट क्यों थी बिटवीन टू स्विचेस, ठीक है, और आप कैसे वीलैंस के बीच में कम्युनिकेट करा रहे थे, यूजर्स कैसे कम्युनिकेट कर रहे थे, ठीक है, और हमने स्विचेस पे क्या किया था, वीलैन कॉन्फ़िगरेशन की थी, हमने दो स्विच के बीच में ट्रंक फॉर्म किया था, ठीक है, ट्रंक पे हमने एक देखा था कि ओपन ट्रंक है, ओपन ट्रंक मतलब जिसमें सारी की सारी वीलैन अलाउड थी, उसके बाद हमने देखा कि उस ट्रंक पे हम सारी की वीलैन अलाउड, कंप्लीट वीलैन अलाउड ना करके नॉर्मल जो रेंज होती है ना 1 to कहाँ तक होती है 1005 तक, वो सारी वीलैन अलाउड थी, तो सारी वीलैन अलाउड ना होकर कुछ पर्टिकुलर वीलैन हमने देखी थी कि भाई कैसे अलाउ करते हैं, और उसमें एक कमांड थी कि अलाउ ऐड, ऐड आपको कीवर्ड डालना था वहाँ पे, अगर आपने सिंगल वीलैन डाल दी तो प्रॉब्लम थी, ठीक है, अब ऐड 30 30 40 जो भी है कॉमा लगा के आपको ऐड करनी होती थी, तो ये हमने कल सॉरी लास्ट टाइम प्रैक्टिकल किया था, तो उसी से आगे कुछ चीजें हैं वो बतानी जरूरी है ट्रंक की ही, ये दो स्विचेज है मेरे, ठीक है, और मैं इधर कुछ यूजर्स भी ले लेता हूँ, केबल कनेक्टिविटी कर देता हूँ, ये फर्स्ट जो यूजर है स्विच 1 हो गया मेरा, ये कनेक्टेड है, ऐसे ही ये कुछ यूजर्स है राइट साइड, ये आपका स्विच 2 से कनेक्टेड है, ओके, ये जो ऑरेंज है, ऑरेंज कलर अभी क्यों आ रहा है, क्योंकि ड्यू टू एसटीपी कन्वर्जेंस, एसटीपी अभी चेक कर रहा है कि मेरी टोपोलॉजी में कोई लूप तो नहीं है, उसे जैसे ही पता लगेगा कि भाई लूप नहीं है, ये तुरंत क्या हो जाएंगे आपके ऑरेंज से ग्रीन हो जाएंगे, 30 सेकेंड का टाइम लेता है, अब देखो कुछ लिंक हो गए, ये भी अभी ग्रीन हो जाएंगे क्योंकि इसमें कोई लूप नहीं बन रहा है, ठीक है, ये हम एसटीपी में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, इसका टाइम होता है देखो, अगर आपको थोड़ा प्रैक्टिकल फास्ट करना है भाई, ये नहीं चाहते तो यहाँ पे एक फास्ट फॉरवर्ड का टाइम है, उसे क्लिक कर देना, ये फटाफट तो चेक कर लेता अपनी, तो ये दो, ये दो यूजर है मेरे, और ऐसे ही दो यूजर इधर ये वीलैन 10 में था, ये 20 में है, ये वीरन 10 में है, ये वीरन 20 में है, और इधर एक नेट, ये 10.1.1 ये है, ये है 10.1.1.2 /24 है, ठीक है, 20.1.1 और यहाँ पर है 20.1.1.2, ओके, तो कुछ ऐसा ही मिलता जुलता प्रैक्टिकल किया था, और अगर आपको 10 के 10 कम्युनिकेशन कराना है तो इस लिंक, ठीक है, और 20 को भी सेम लिंक से कम्युनिकेशन करवाना है तो इस लिंक को क्या बनाना, ट्रंक, सो दैट ये ट्रंक लिंक है जो मल्टीपल वीलन का ट्रैफिक कैरी कर सके, ओके, तो इस पे हमने ट्रंक बनाया था कि, और एक कमांड चलाई थी स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, इसके बाद वो ट्रंक बन गया था लिंक, कौन सा लिंक, ये बिटवीन टू स्विचेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो अच्छा ये देखो, अब ट्रंक बना था तो इसमें क्या कुछ चेंजेस आए थे, यहाँ से ट्रैफिक निकल रहा था, यहाँ से सपोज करो ये पिंग करना चाह रहा है, किसको पिंग करना चाह रहा है, 10.1.1.3 को पिंग करना चाह रहा है, राइट, अभी पिंग करेगा, ठीक है, मैं सब अजम्पशन कर रहा हूँ, आर पर सब इसके पास, ठीक है, इसके पास मैक है, ये यहाँ गया, ठीक है, अगर नहीं भी होगा तो फर्स्ट टाइम से वो ले लेगा ब्रॉडकास्ट के आर के थ्रू, ठीक है, ये यहाँ गया, उसके बाद क्या होगा भाई, ये स्विच 1 है, ठीक है, स्विच 1 है, ये देखेगा ओके वीलैन 10 वाले पोर्ट पर रिसीव हुआ तो मुझे वीलैन 10 जिस पोर्ट पर भी अलाउड हो उस पे सेंड कर दूंगा, ठीक है, अब नीचे तो 20 है, इधर क्या ट्रंक है तो इधर फॉरवर्ड कर देगा क्योंकि इधर वीलैन 10 भी अलाउड है, पास कर रखी है मैंने, सारी वीलैन ओपन ट्रंक है, कोई मैंने फिल्टरिंग नहीं लगाई कि भाई कोई पर्टिकुलर वीलैन ही पास है, अब ये, अब यहाँ चेंजेस क्या होंगे, यहाँ बना बड़ा है ट्रंक, अभी मैंने मैनुअल ट्रंक बनाया, डायनेमिक ट्रंक नहीं बनाया, डायनेमिक ट्रंक का मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, डीटीपी जिसको हम बोलते हैं, इधर क्या होगा, इधर आपका क्या आ रहा था भाई, डेटा आ रहा था, कुछ पिंक का डेटा आ रहा था सपोज करते हैं, ठीक है, मैं डेटा बोल रहा हूँ उसको, अब इसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे एक ट्रंक जो फॉर्म होती है ना, एक प्रोटोकॉल होता है आपका इनकैप्सुलेशन .1q, ये पिक्चर में आ जाता है, ठीक है, इनकैप्सुलेशन .1q यहाँ वर्क कर रहा है और इनकैप्सुलेशन .1q इधर भी वर्क कर रहा है, इनकैप्सुलेशन .1q ये प्रोटोकॉल है भाई, ये प्रोटोकॉल आपका यहाँ भी वर्क कर रहा है स्विच 2 पे,
ये ट्रंक परफॉर्म करेगा, ठीक है। जैसे ट्रंक बनाओगे इनका इनकैप्सुलेशन डॉट ऑन की पिक्चर में आ जाएगा। इसका काम क्या होगा, इसका काम यही होगा कि अगर इस ट्रंक से जो भी डेटा पास हो रहा है ना, सपोज करो डेटा आया किसके लिए, आया था विलन टेन के लिए, तो ये क्या करेगा, विलन टेन का क्या लगा देगा, टैग ऐड कर देगा, विलन टेन का एक टैग ऐड कर देगा, ठीक है। टैग ऐड कर दिया, और भी कई सारे फील्ड है वो आगे देखना, अभी जो इम्पोर्टेंट फील्ड है वो बता रहा हूँ। विलन टैग का ऐड किया, अब स्विच टू के पास ये जाएगा, स्विच टू इसको ओपन करेगा, भाई इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू को अंडरस्टैंड करता है तो देख लेगा, ओके इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू के अंदर विलन टेन का टैग है, तो मुझे विलन टेन वाले को ही ये सेंड करना है, ठीक है। अब विलन टेन वालों को सेंड कर देगा, ठीक है। तो ये था इसका पिक्चर, विलन टेन को सेंड करेगा, उसके बाद उसको ओपन करके देखेगा भाई किसके लिए, अगर विलन टेन के लिए मल्टीपल पोर्ट हो तो क्या करेगा, इसके पास मैक टेबल होगी, मैक टेबल में से एंट्री चेक करेगा किसको भेजना है, ठीक है भाई इसके पास होगा ना, मैक टेबल होगी इसके पास, ठीक है। ये इस पीसी का मैक होगा, ये 3979 जो भी है, ठीक है, ये बोलेगा 3979, ठीक है, फास्ट इथरनेट 0/3 पे कनेक्टेड है, इसको भेजते हैं, ओके। तो ये कम्युनिकेशन ऐसे होगा, ये तो था इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू वर्क, ठीक है। इससे पहले हमारे पास एक और प्रोटोकॉल था, वो था आईएसएल, ठीक है, वो आईएसएल था, वो भी ट्रंकिंग प्रोटोकॉल था, वो भी क्या था, ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, ये आपका इनकैप्सुलेशन में ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है और एक आईएसएल भी है, ओके। पहले आईएसएल चलता था, तो दो स्विच ऑन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, वन टू, और ये लिंक ले लिया, ठीक है। इनके बीच में क्या चलता था भाई, इनके बीच में चलता था पहले आईएसएल, आईएसएल के थ्रू भी आप करवा सकते हो, ठीक है, या तो इनकैप्सुलेशन डॉट वन टू करा लो या फिर आईएसएल करा लो, आईएसएल के थ्रू भी आप ट्रंकिंग फॉर्म करा सकते हो, ठीक है। आईएसएल में एक चीज है, लेकिन ये थोड़ा आईएसएल चलता नहीं है वैसे तो, ठीक है, ये अब नहीं चलता, अब आपको मिलेगा ही नहीं, ये आपको अब फ्यूचर में मिलेगा ही नहीं, कौन मिलेगा, सिर्फ डॉट वन क्यों मिलेगा, इनकैप्सुलेशन ये डॉट वन के प्रोटोकॉल मिलेगा आपको, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ, इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है आपके, इन दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ मैं, आईएसएल क्या है आपका, सिस्को प्रॉपर्टी, ठीक मतलब सिस्को नहीं, इसको सिस्को के लिए था ये, ठीक है, सिर्फ सिस्को ही इस पे, सिस्को ने बनाया, सिस्को ने इन्वेंट किया और सिस्को यूज करता था अपने सिर्फ डिवाइसेस पर, और डजंट सपोर्ट अनट्रैक ट्रैफिक, ट्रैफिक को सपोर्ट नहीं करता था। इसका क्या मतलब है, देखो इसका ये मतलब है, कहाँ गया मेरा कुछ, अभी तो यहाँ से देखो ये भी क्या, ये यहाँ से गया, भाई यहाँ भी सेम वर्क हो रहा, ठीक है, यहाँ पे इसके बाद डेटा आया, आईएसएल भी क्या कर रहा था, टैगिंग लगा रहा था किसकी, विलन, ये भी अपना हेडर लगा रहा था उसमें, विलन टैग कर रहा था, ओके। और ये ट्रैफिक कहाँ जाता, स्विच टू के पास, स्विच टू क्या करता, इस टैग को हटाता, स्विच टू इस टैग को हटाता और आगे जिसको भी फॉरवर्ड करना कर देता। अब आईएसएल में क्या है, सपोज करो यहाँ से वो डेटा आ रहा है, समहाउ टैग नहीं लगा, भाई कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ टैग नहीं लगता है, ठीक है, मैं बताऊंगा कौन से केस में टैग नहीं लगता है। अब यहाँ से डेटा आया, अगर इस पर आईएसएल चल रहा है इस लिंक पे, तो इसको ये प्रोसेस ही नहीं करता था, ये बोलता भाई मुझे अनटैग ट्रैफिक है, मुझे नहीं पता इसके बारे में, ठीक है, मैं नहीं बता सकता, अनटैग ट्रैफिक है, मुझे नहीं पता कहाँ फॉरवर्ड करना है, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, ठीक है, तो सपोर्ट ही नहीं करता था इसको, समझ ही नहीं पाता था एक तरीके से, ठीक है। इट डजंट सपोर्ट अनटैग ट्रैफिक, एक और है, इट डजंट नॉट, इट डज नॉट सपोर्ट नेटिव वीलैन, नेटिव वीलैन आगे बताऊंगा मैं, ठीक है, नेटिव वीलैन जब मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, अभी नेटिव वीलैन को छोड़ देना, और इसमें एम्प्टी जो हो जाता था ना, वो हो जाता था आपका 1530 बाइट मतलब कहने का क्या मतलब है, 1500 तो खैर उसका हो गया इथरनेट का, देखो ये जो एम्प्टी बनाना है ऐसे बनाए,
इसे भी ना समझ पाओगे, एक काम कर लो, जिसका हेडर साइज होता है ना, आईएसएल का हेडर साइज, आईएसएल साइज ये होता 30 बाइट का। यहाँ से डेटा आ रहा था, डेटा आ रहा था, अभी आईएसएल चल रहा है, आईएसएल इसमें अपनी ऐड करेगा ना, वैल्यू ऐड करेगा, तो हेडर लगाएगा, ठीक है, हेडर के अंदर वो टैगिंग वैगिंग वैल्यू होगी, तो हेडर की तो हेडर का भी तो कुछ ना कुछ साइज होगा, ठीक है, हेडर का भी तो कुछ ना कुछ साइज होगा, ठीक है। तो भाई आपके सामान कोई अमेजोन से भी कोई सामान आता है तो उस पर भी तो आप एक टैग लगाते हो कि कहाँ से कहाँ जाए, वो भी आपके जो लेबल होता है वो कुछ ना कुछ स्पेस कंज्यूम करता है, ठीक है, आपके पैकेट पर, आपके आइटम पर। तो ऐसे ही ये है, डेटा यहाँ पे आ रहा है मेरा, तो आईएसएल अपना टैग लगाएगा, तो ये किसी ना किसी चीज के एक अपना हेडर लगाएगा, आईएसएल हेडर लगाएगा, ठीक है, हेडर के अंदर आएगा। और भाई ये कौन चला रहा है पेन पेन, ठीक है, आईएसएल हेडर होगा, और इसके बाद जो हेडर का साइज है वो कितना है, वो है 30 बाइट, 30 बाइट, 30 बाइट, ठीक है। और जो यहाँ से डेटा आ रहा है ना, ये भी भाई किसी ना किसी हेडर में अटैच होके आएगा, उसका साइज कितना है, 1500। तो ये टोटल 1530 ऐसे बनता था एमटी, ठीक है, इसको हटा दो अभी, तो समझने के लिए भी एमटी में बंद करा दूंगा आपको, अभी 30 बाइट समझो इसका हेडर क्या है, 30 बाइट का हेडर, ठीक है। अब जो भी यहाँ से जितने भी बाइट की इन्फॉर्मेशन आएगी उसमें 30 बाइट ऐड कर देना, ठीक है, बाई डिफॉल्ट 1500 होता है, तो 1530 मैंने इस वजह से डाला था, अभी उस चीज़ को ना भी समझना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना ध्यान रखो आईएसएल हेडर 30 बाइट का, ठीक है। तो अब स्विच 2 पे जाएगा, या इसको 30 बाइट, ये जो 30 बाइट है ना, ये इन्फॉर्मेशन बाइट्स, 30 बाइट्स जो इन्फॉर्मेशन है ये इसको प्रोसेस करनी पड़ेगी, ठीक है, 30 बाइट्स इसको इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा यार, ज्यादा रोटी खाने में टाइम ही लगता है, सिंपल सी बात है, एक कोई आदमी 2 रोटी खा रहा है, एक आदमी 16 रोटी खा रहा है, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है कि 2 रोटी वाला जल्दी अपना खाना फिनिश कर देगा, तो यहाँ पे इसको 30 बाइट्स मिलने प्रोसेस करने को, तो ये भी थोड़ा टाइम लेगा अपना, ठीक है भाई, 30 बाइट दे दिया, ठीक है। तो ये थे इसके आईएसएल में। अब देखो डॉट वन क्यू में क्या था, कई सारे बेनिफिट थे हमारे पास एनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू में, एनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू में कई सारे बेनिफिट थे, क्या बेनिफिट थे, सबसे पहले तो ओपन स्टैंडर्ड है, ठीक है, एनी बडी एनी कंपनी कैन यूज, एनी वेंडर कैन यूज, ठीक है, जितना भी वेंडर है नेटवर्क पर जो भी स्विच बनाता है वो डॉट वन क्यू यूज कर सकता है, ओपन स्टैंडर्ड है, ठीक है। कल को तुम भी अपने स्विच बनाने लगे तुम भी यूज कर सकते हो। अच्छा, इट सपोर्ट्स अनटैग ट्रैफिक, अनटैग ट्रैफिक को सपोर्ट करता है ये, कौन, इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू, ऊपर इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू चल रहा है, ऊपर यहाँ से कोई डेटा आ गया ना, अनटैग ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, अनटैग ट्रैफिक आ रहा है, कोई टैग नहीं लगा, इनकैप्सुलेशन डॉट वन को उसको अंडरस्टैंड करेगा और उसको भेजेगा, वो किसको भेजेगा, वो आने वाले टाइम में बताऊंगा जब आपको मैट्रिक भी लैंड पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। बट ये इतना ध्यान रखो, ये भी ये इनकैप्सुलेशन डॉट वन को अनटैग ट्रैफिक को भी सपोर्ट करता है, देखो टैग को भी सपोर्ट कर रहा है और अनटैग को भी ट्रैफिक सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैंने डाल दिया, एक और बार, इट डज सपोर्ट, ये सपोर्ट करता है किसको, मैट्रिक वीलैन को, ये दोनों पॉइंट ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अनटैग ट्रैफिक एंड नेटिव वीलैन, क्योंकि नेटिव वीलैन के ही केस में अनटैग ट्रैफिक होता है, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ समझने के लिए, हम इस स्विच पर एक नेटिव वीलैन बनाएंगे, इस स्विच पर एक नेटिव वीलैन होती है, उसके लिए कोई टैग नहीं होता, उसके लिए कोई टैग जनरेट नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ से कोई डेटा आया, ठीक है, सपोज करो नेटिव वीलैन के लिए डेटा है, और नेटिव वीलैन दोनों पर सेम रहती है, ठीक है, दोनों पर सेम करनी ही पड़ेगी, नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, ठीक है, आगे बताऊँ क्या इश्यूज हो सकते हैं, वो नेटिव वीलैन मस्ट बी सेम, ठीक है, सेम होनी चाहिए। अब सपोज करो नेटिव वीलैन मेरी 1 है, ठीक है, अब यहाँ से 1 के लिए डेटा निकलना है, तो वो कोई टैग नहीं लगाएगा नेटिव वीलैन के लिए, बोलेगा नेटिव वीलैन है, मैं टैग नहीं लगाऊंगा। अब स्विच 2 के पास आया, इसने देगा ओके यार टैग नहीं लग रहा, तो आई थिंक ये किसके लिए है, ये नेटिव वीलैन के लिए है, यानी कि नेटिव वीलैन यहाँ भी सेम होनी चाहिए, जो वहां थी वहां 1 थी तो यहाँ भी 1 होनी चाहिए, और 1 वालों को क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपकी जो विलन 1 होती है ना वो नेटिव विलन ही होती है, इसकी और भी प्रॉपर्टीज होती है नेटिव विलन की, तो
मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा आगे। ओके, तो ये था आपका भाई ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, एनकैप्सुलेशन और आईएसएल। ठीक है, आप ये जो सिस्को पे बैठे थे ना आईएसएल, अब सिस्को स्विचेस में भी आपको .1 क्यों मिलेगा, वहां भी आईएसएल नहीं मिलेगा। और एक और बात बता देता हूँ, जब भी कभी आप किसी भी लिंक को ट्रंक बनाओगे ना, जब भी कभी आप किसी लिंक को ट्रंक बनाओगे तो वो ट्रंक क्या, वो पोर्ट क्या होगा, एक बार डाउन हो क्या पाएगा, एक बार डाउन होके अब आएगा। ठीक कहने का क्या मतलब है, नहीं प्रपोज करूं, ये मैंने क्यों बोला ये डाउन होगा अप होगा, आप अभी आपके लिए शायद ये मैटर ना करता हो कि भाई ये पोर्ट डाउन अप हो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है जब आपका बड़ा नेटवर्क हो। ठीक है, वहाँ पोर्ट डाउन होना बड़ा इशू हो जाता है। ठीक है, सारा का सारा ट्रैफिक स्टॉप हो जाएगा। एक्चुअल में क्या पता अभी आपका प्रोडक्शन नेटवर्क चल रहा है, ठीक है, ये पूरा आगे कहीं आपके बड़े नेटवर्क से कनेक्टेड है, ठीक है, आगे राउटर कनेक्टेड है, ये स्विच से आगे, अगर लैपटॉप हटा दो बेशक, आगे राउटर कनेक्टेड है, राउटर से आगे पूरा नेटवर्क कनेक्टेड है, ठीक है, नीचे भी राउटर कनेक्टेड है, ठीक है, या फिर कस्टमर कनेक्टेड है, सिंपल सी बात है, ठीक है, या फिर आपके और भी स्विचेस कनेक्टेड है, आप नेटवर्क को एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, अजम्पशन कुछ भी हो, आपकी स्विचेज हो, L3 स्विच हो, L2 स्विच हो, राउटर हो, ठीक है, तो और इस लिंक पे आपकी क्या चलनी है, एक ट्रंक बना हुआ है, ये ट्रंक बना हुआ, ठीक है, और ट्रंक पे क्या आपने सिर्फ कुछ विनन अलाउड कर रखी है, 700-800 विनन अलाउड पड़ेगी, 700-800, ठीक है, करीबन उनका 700-800 विनन अलाउड है। अब आपको कुछ ऐसी ऐसी एक्टिविटी करने की जरूरत पड़ेगी, इसको क्या करना पड़ेगा भाई, ओपन इसको भाई, आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐसी बन गई कि यार थोड़ा सारी विलन कैसे, बाकी की विलन कैसे आइडेंटिफाई करें, या फिर आपकी कंडीशन कहीं ना रिक्वायरमेंट ऐसी आ गई भाई इसको मुझे क्या बनाना, ओपन ट्रंक बनाना है, इसको क्या बनाना है मुझे, ओपन ट्रंक बनाना है। ठीक, ओपन ट्रंक मतलब सारी की सारी विलन पास करनी है मुझे इसको। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे सर, अगर आपने इसको ये किया स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है, एक एक कमांड में भाई, एक ही कमांड में आप चाहते हो कि ये ट्रंक बन जाए, तो ये पोर्ट डाउन होके फिर आप आएगा, आप जो भी यहाँ पे सब चल रही होंगी, इधर जा रहे होंगे, वो आउट ही जाएगी उसके लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें थोड़ा ध्यान में रख के करनी चाहिए। ठीक है, जब ये मैंने कुछ, ये देखो F0/1 है ना, Ctrl-Shift-6 कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पोस्ट हो गया स्विच 1, फास्ट इथरनेट 0/1 है ना, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, अभी क्या है आप देखो, ठीक है, और अभी एक्सेस है, ठीक है, ये क्या एक्सेस पोर्ट है, मतलब सिंगल विलन का ट्रैफिक कैरी कर सकता है। अगर मैं इसको ट्रंक बनाऊं तो देखना ही, मैं इसको ट्रंक बना देता हूँ, फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये देखना ये क्या हुआ, डाउन हुआ है, डाउन होके फिर अप हुआ है, ठीक है, डाउन होके फिर अप हुआ है। हाँ, अगर आप ऐसे तो कभी करोगे कभी भाई, अगर ये डाउन रह जाता है, अप नहीं होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज आप चेंज कर रहे हो ना, ट्रंक बना रहे हो, तो ये डाउन हो, एक बार डाउन जाता फिर अप आता है। सपोज अगर सर डाउन हो जाए लेकिन अप ना हो तो ना आए तो अब तो आएगा, अब नहीं आएगा तो फिर आपका पोर्ट पे कुछ इशू उसके होगा। लिए कोई प्रॉपर कमांड सर अप करने के लिए। नहीं, कमांड कुछ नहीं है, कमांड तो यहाँ पे जल्द जल्द शट कर सकते हो किसी भी पोर्ट को, ठीक है, शट डाउन नो शट, ठीक है, कमांड तो ये है, अगर अप ही ना आए तो भाई आपको चेक करना पड़ेगा ना, भाई ये अप क्यों नहीं आ रहा, ये कुछ उसकी यहाँ पे ऐसे कुछ ट्रांसीवर लगते हैं, कुछ SSP लगती है, क्या उसमें कुछ क्वालिटी तो नहीं हो गया, पोर्ट ही अपनी आया, अगर फिर आपको फिजिकल मीडिया पे जाना पड़ेगा, ठीक है, फिर आपको यस फिजिकल मीडिया पे जाना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको तो नो शट कर दो यार पहले तो, ठीक है, क्या कह रहा था मैं, ठीक है, तो अभी इसको ओपन ट्रंक बनाओगे ना, तो स्विच
switch mode at the start. तो शायद वो ऑलरेडी बन गया है, तो इस वजह से डाउन अप नहीं हो रहा है। एक बार हो गया ना, अब इसमें आपको चेंजेस नहीं हो रहे। इसको मैं हटा देता हूँ। स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीगन, मैं सपोज करो 10, 20, 30 मैंने और 40 इस पे क्या कर दी, अलाउ कर। अब की बार इस पे क्या करोगे तुम, अगर इस पे वीलैन ऐड करना चाहो तो मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, इंटरफेस पे गए, फास्ट इथरनेट 0/ कितना है, 1 ठीक है, और स्विच पोर्ट आउट वीलन ऐड, वीलन ऐड ऐड की वर्ड डाल देना, ठीक है, ऐड की वर्ड डाल देना, ऐड 40 शो इंटरफेस ट्रंक, ठीक है 40 भी आ गई। ऐड की वर्ड डालना आपको बहुत जरूरी है, इंटरफेस 5 0/1 ठीक है, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलन, अगर आपने ऐसे डाला वीलन 50 तो गए फिर काम से, शो इंटरफेस ट्रंक तो वीलन 50 ही अलाउड रह जाएगी, ठीक है। कैसा हो गया जो भी है, ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्विच पोर्ट स्विच पोर्ट के भाई एक क्वेश्चन है, ठीक है, फिर आपको सारी विलन डालनी पड़ेंगी अगर आपने रिमूव कर दी तो, ठीक है, अगर आपको अब डालनी है भाई, कुछ विलन है ना भाई, इसकी भी ना लिमिट होती है, एक बार में ना इतनी विलन अलाउड करेगा एक लाइन में, ठीक है, तो आप फिर दूसरी लाइन में डालोगे बाकी की विलन, कैसे करके डालोगे, ऐड 60 70 80 90 के भाई आप बोलो बोलो। मैं कह रहा हूँ अगर हम जैसे बिना ऐड करे डालेंगे तो एग्जिस्टिंग जो भी कॉन्फ़िगरेशन है विलेन ऐड जितने भी हैं वो सब रिमूव हो जाएंगे। हाँ वो तो गई थी मेरी मूव, मैंने अच्छा, ऐड करके डाला था, अब देखना अच्छा, इसमें मैंने कितनी सारी विलेन डाल दी, तो एक बार में ना, एक बार में हाँ एक बार में इतनी विलेन अलाउड नहीं होती, ठीक है, वो आपके प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है क्या उसकी कैपेबिलिटी है, ठीक है, तो आपको इसमें काउंट कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो आपको दो भी अलाउड, दो भी डालने के लिए मना कर रहा है, ठीक है, ये तो कह रहा सिंगल सिंगल करके डालो, ये आपको सिमुलेशन है ना, और तो ये ट्रंक का तो आपको पता लग गया भाई कैसे कैसे ट्रैफिक फ्लो होगा, ओके, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ट्रंक समझ में आ गया ना, हाँ क्लियर है। अब देखो कई बार क्या होता है, प्रैक्टिकल मैंने लास्ट टाइम कराया था ट्रंक का, अच्छे से कोई उसमें दिक्कत हो तो वो वाला प्रैक्टिकल रिवाइज कर लेना एक बार,
आई हो, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है। अरे कई बार क्या होता है कि मेरे नेटवर्क में ना कई बार स्विच होते हैं, कई सारे ये नो, मैं कुछ स्विचेस देता हूँ। ये फिर चीज है मेरे पास। ठीक है। अब क्या होना, अब मुझे यार हिरन डालनी है इन सब पे। अब मैंने यहाँ तो डाल दी, अब यहाँ भी डाल दी। ठीक है। और धीरे धीरे करके क्या हुआ, मैंने यहाँ भी डाल दी, सारे सिटीज पे डाल दी, कनेक्टेड है। ठीक है। इधर डाल दी, हर जगह डाल दी, यहाँ पे जैसे तैसे करके रो धो के, ठीक है, टाइम निकाल के डाल दी मैंने। ऑफिस में आता था, अभी करता था, भी बिरयानी भी डालता था एक तरीके से, और तो कुछ कर नहीं रहा। ये सारे स्विचेस दे दिए एक तो, ठीक है, और थोड़ा संभाल के करता था भाई, कुछ इधर का उधर ना हो जाए, कोई बिरयानी डिलीट ना हो जाए, मैनुअल काम में एरर होने के चांस ज्यादा रहता है ना। ठीक है। फिर वी ऑल आदि गलती होने की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। अब सबसे डाल दिए सबसे करके, ठीक है। अब 2 दिन बाद क्या हुआ, किसी टीम में डिसाइड किया भाई ये विलेन ऐड करनी है, एक विलेन और है वो ऐड कर दो। तो भाई आप सारे स्विचेस पे दोबारा ऐड करने बैठ गए। ये भाई कर रहा हूँ ऐड, सब पे कर रहा हूँ ऐड। ठीक है। सारे स्विचेस पे आपने धीरे धीरे करके ऐड करी, और 1 हफ्ते बाद पता लगा यार वो विलेन हटा दो जो ऐड की थी, तो आप फिर हटाने लग गए सबसे। ठीक है। फिर 1 महीने बाद रिक्वायरमेंट आई, यार ये 10 विलेन है ये डाल दो। फिर आप 10 विलेन डालने में लग गए। फिर 1 महीने बाद रिक्वायरमेंट आई, यार डिलीट कर दो 10 विलेन, फिर आप डिलीट कर रहे हो। ठीक है। ये सब इस काम में क्या है सर, टाइम कंज्यूमिंग काम है। ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग वर्क है, काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। अननेसेसरी विलेन ही तो डालनी है और रिमूव करनी है, और चेक भी करना है यार कोई सर्विस डाउन ना हो जाए। ह्यूमन क्लियर वी ऑल आर ह्यूमन। ठीक है। गलता होना, गलती होना तो चांसेस हमेशा ही बने रहते हैं। तो बड़ी प्रॉब्लम थी, इतने सारे स्विचेस पर कैसे कॉन्फ़िगरेशन की जाए। तो इन सब के लिए हमारे पास सॉल्यूशन आया, क्या आया था, VTP का एक VTP कॉन्सेप्ट आया। ठीक है। एक VTP कॉन्सेप्ट आया, उसने बोला यार एक काम करो, आप एक एक स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन करो, एक स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन करो, बाकी के जो स्विच है ना उनसे हाथ भी मत लगाओ, ऑटोमेटिक विलन जाएंगी यहाँ पे। ठीक है। ऑटोमेटिक विलन बनेंगी उधर। भाई हमने बोला बढ़िया है। ठीक है। ऑटोमेटिक विलन बनेंगी, लेकिन कुछ खतरा भी है, आपने गलती से तो डिलीट कर दी, सब पे डिलीट हो जाएगी। ठीक है। तो ये भी बड़ा टेक केयर वाली बात है। ठीक है। क्योंकि ये एक स्विच है आपका, यहाँ पे आपने क्या विलन ऐड करी, सारे स्विच पे विलन ऐड हो गए। आपने ऐड करी, आपको लगे भाई 5-7 मिनट लगे एक्टिविटी करने में, और ले भाई बाकी के स्विच पे जो भी 50-60 स्विच है, 30-40 है, होगी ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको वहाँ पे 6 दिन लग रहे थे, यहाँ तो आपने कर दिया भाई 10 मिनट में काम, सॉरी 20-25 मिनट में काम हो गया आपका तो। ओके। और फिर और आपने यहाँ से गलती से कोई डिलीट कर दी तो 20-25 मिनट में काम तमाम मिल जाएगा। ठीक है। तो ये थोड़ा इसमें टेक केयर करने वाली बात है VTP में। अच्छी बात क्या है, आपको हर एक स्विच पर लॉगिन करने की जरूरत नहीं, एक स्विच पर लॉगिन करेगा तो चांस भी कम हो जाएंगे आपके गलती करने के, और थोड़ा 10 मिनट का काम अगर आप ध्यान से कर लोगे तो बेस्ट है। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विलन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, VTP। VTP स्टैंड फॉर विलन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। VTP विलन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ओके। वर्चुअल ट्रंकिंग मत बोलते हैं ना, कई बार वर्चुअली बोल देते हैं, वी से हमें याद रहता है वर्चुअली, VRF वर्चुअल। ठीक है। VLAN वर्चुअल लैन, यहाँ पे वी स्टैंड फॉर VLAN, इस VLAN का वी वर्चुअल है। ठीक है।
VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है, और ये क्या है, सिस्को प्रोप्रेटरी प्रोटोकॉल है, क्योंकि सिस्को वालों ने इसे इन्वेंट किया था, उन्हीं के डिवाइस में मिलेगा आपको, सिर्फ सिस्को डिवाइस में देखने को मिलेगा और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा ये एक कौन सी लेयर पर वर्क करता है, ये एक लेयर टू पर वर्क करता है, लेयर टू डेटा लिंक लेयर पर वर्क करता है OSI पे, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, VTP इज इनेबल्ड, VTP इज इनेबल्ड ऑन ऑल सिस्को इंस्ट्रक्शन, इनेबल रहता है भाई, ठीक है। और क्यों यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड टू प्रोपेगेट द इंफॉर्मेशन ऑफ VLAN डेटाबेस, इंफॉर्मेशन ऑफ VLAN डेटाबेस। डेटाबेस मैंने ऐसे क्यों बोला यहाँ पे, VLAN डेटाबेस, ठीक है भाई, यहाँ पे कोई VLAN है, VLAN कहाँ रहते हैं, VLAN का एक डेटाबेस ही बनता है, VLAN का एक डेटाबेस ही बनता है ना, डेटा है काफी सारी, हर किसी का डेटाबेस बनता है, आप अपने कुछ काम कर रहे हो, डेटा बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं स्टोर कर रहे हो, ये मेरा डेटाबेस है, ठीक है। आप कोई भी अपनी कुछ नोट्स बना रहे हो, आपका डेटाबेस है, ठीक है। और तो डेटाबेस है, और ये VLAN डेटा कहाँ रखा जाता है, फ्लैश मेमोरी में रखा जाता है, जो भी VLAN की इंफॉर्मेशन है, और कितनी उसकी मतलब क्या नेम होता फाइल का, VLAN डॉट डेट, ये तो शायद मैंने आपको दिखाया भी था, ठीक है, शो फ्लैश में देख लेगा, VLAN बना लो, इसपे काम करो अभी, स्टोर हो जाएगी कहीं ना कहीं, देखो पहले नहीं था VLAN डेटाबेस, नहीं था, जैसे ही मैंने एक VLAN क्रिएट करी, एक फाइल क्रिएट होगी VLAN डॉट डेट के नाम से, ओके। और इसका साइज कितना है, 616, मैं और VLAN बनाता हूँ, VLAN 12, VLAN 13, VLAN 19, स्पेस आएगा, ठीक है, स्पेस आना चाहिए दोनों के बीच में, VLAN 40 बना दी मैंने, 616, 616 साइज था फाइल का नाम, फाइल का साइज, अभी देखना कितना होगा, 6 1, भाई डेटाबेस बढ़ गया ना, तो ये साइज भी बढ़ना चाहिए, शो फ्लैश, देख रहे हो 856 हो गया, किसका, VLAN डॉट डेट का, ओके। तो VLAN डेटाबेस को प्रोपोगेट करवाएगा कहाँ पे, तभी जिस पे भी VTP चल रहा है, अच्छा किस किस पे चल रहा है भाई, इसकी ये स्विच है मेरा, ठीक है, और इन बाकी सब स्विच से कनेक्टेड है, ठीक है, या सारे के सारे स्विच पे कंपनी प्रोपेगेट होगी VLAN डेटाबेस, या किसी और पे, या मतलब कुछ लिमिटेड पे, उसकी कुछ कंडीशन होती है भाई, किस पे प्रोपेगेट होगी किस पे नहीं होगी, वो कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ आपके क्राइटेरिया होते हैं, वो मैच करने चाहिए, अगर वो मैच करते हैं तो प्रोपेगेट होगी उन सारे स्विचेस पे, अगर वो नहीं करते तो नहीं होगी, मैं बताऊंगा आने वाले टाइम में भी कौन कौन से वो दो पॉइंट है, तो बट इससे पहले यस, इट इज यूज्ड टू प्रोपेगेट द इंफॉर्मेशन ऑफ VLAN टू सेंट्रलाइज्ड VLAN मैनेजमेंट, ठीक है, एक ही जगह से बैठ के आप VLAN मैनेज कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, अच्छा इट यूजेस एक मल्टीकास्ट मैक एड्रेस यूज करता है, जो VTP के जो इसके मैसेजेस होते हैं ना वो मल्टीकास्ट होते हैं, एक पर्टिकुलर मैक एड्रेस है, IP तो होगी नहीं इधर, क्योंकि लेयर टू प्रोटोकॉल है, वहां तो IP वर्क करती नहीं है, मैक ही काम करता है, तो ये उसका आपका क्या है, मैक एड्रेस है, ठीक है, 0100, बाकी सारी 00 होती है। अब देखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ VTP, भाई VTP की रिक्वायरमेंट क्या है, काम कैसे करेगा, कैसे, इसकी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है, एक तो क्या, ट्रंक मस्ट बी इनेबल्ड,
जो आप देख रहे थे ना ये पिक्चर में, ये तो सारे स्विच ये आपस में कनेक्टेड होंगे, तो इन सबके बीच में ट्रंक बनना चाहिए दोस्त, ठीक है? इन सबके बीच में ट्रंक बनेगा तभी वीरन प्रोपेगेट होंगी सबके साथ, ठीक है? अगर यहाँ से किसी के साथ यहाँ पर ट्रंक नहीं बना हुआ तो वहां प्रोपेगेट नहीं होंगे, जिनके साथ ट्रंक बना हुआ है उधर प्रोपेगेट हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये, क्या कंडीशन होगी, आपको ट्रंक फॉर्म करवाना है, ठीक है? आपको ट्रंक बनवाना है, ट्रंक बनाना आपको आ गया है, ट्रंक बनाना है आपको, ठीक है? मैनुअल ट्रंक बनाना आ गया आपको, ट्रंक बनवाना है आपको स्विचेस के बीच में। दूसरी कंडीशन, बीटीपी डोमेन नेम मस्ट सेम, ये शायद आपके लिए नया हो सकता है। बीटीपी डोमेन नेम, एक्चुअल में डोमेन नेम आप दोगे इन स्विचेस पर,